वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या बताइए फटाफट यस बेटा तो अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट दी है आप अगर चैप्टर जो है इसका रिवीजन आप एंजॉय करते हो तो सारे चैप्टर्स इसी तरह से एंजॉय किए हैं इसी तरह से रिवाइज किए हैं तो आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे सो so, दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रिवीजन टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है सो आपको जैसे पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई का हमारा जैसा ही रिवीजन होता है आपको इमीजिएटली उसका क्वेश्चन भी देख लेना है आई होप सारे के आप देख रहे होंगे और उसका फायदा आपको मिल रहा होगा तो चलिए टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं इन वॉयस यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इन क्योंकि पूरा टाइम ऑफ सप्लाई इन के बेसिस पे यहाँ फिक्स किया गया है नॉर्मल केस में अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ध्यान सुनिएगा आपका अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपने कब तक इन्वाइस देना चाहिए तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है ओके आपने इन्वॉइस जो दे देना चाहिए दोस्तों वो बिफोर एट द टाइम या बिफोर रिमोवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई ख्याल रहे रिमोवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई ये पॉइंट को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं तो वो यहाँ पे बेटा हर रिमोव फॉर सप्लाई नहीं होता है जैसे आपका स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है और सेम uh, स्टेट में बहुत सारी ब्रांचेस है अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन तो उसे डीडीपी नहीं कहा जाता है समझ लो सेम स्टेट में आपका वेयर हाउस है और आप वेयर हाउस को रिमूव कर रहे हो तो आपको रूल 55 चालान में रिमूव करना पड़ता है और वो रिमूवल फॉर सप्लाई नहीं कहा जाता है तो वो केस में आपको टैक्स इन्वाइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है जब आप वेयर हाउस से सप्लाई करोगे सेल ट्रांसफर वाटर एक्शन लीज रेंटल डिस्पोजल तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है ओके सप्लाई माना जाएगा उसके बाद में बेटा 呃。Uh तो रिमोवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई अगर गुड्स में मोवमेंट होगा ध्यान से देखिएगा अगर गुड्स में मूवमेंट होगा और अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है एनी इन अदर केस डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक देम अवेलेबल बहुत सी बार आप जब गुड्स का सप्लाई कर रहे थे, तो, करते हो तो एज सच बेसिस पे करते हो मतलब जैसा है वैसे एज सच बेसिस पे आप सप्लाई करते हो मैंने क्लास में बेंचेस का एग्जाम्पल लिया था मशीनरी का एग्जाम्पल लिया था तो अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है और आप सेल कर रहे हो तो जब आप डिलीवरी दे रहे हो या मेड अवेलेबल करवा रहे हो वो दिन तक आपने इन्वॉइस देना चाहिए यहां से एक चीज आपको कंक्लूड करनी है वो ये कि लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस क्या रहेगा तो लास्ट डेट ऑफ इनवाइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई या डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेड देम अवेलेबल उसके बाद में इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो सेक्शन 31 के हिसाब आप से आपने इनवॉइस बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर ख्याल रहे ओके okay, यहाँ पे बहुत क्लियर है बिफोर या आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस आप दे सकते हो लेकिन मैक्सिमम थर्टी डेज और बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो फोर्टी डेज तक आप देख सकते हो तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा वट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस

अब हम टी ओ एस इन नॉर्मल केस अब मैंने ये स्ट्रक्चर कैसा लिया पहले नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होता है वो हम देख लेंगे और उसके बाद में हम स्पेशल डिस्कशन देखेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस तो ये सारे सिचुएशन में टी ओ एस कैसे फिक्स होता है नेक्स्ट पेज पर मैंने एक टेबल दिया हुआ है इस टेबल के बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चलिए अब बेटा यहाँ ओके ध्यान से देखिएगा जहां तक देखा जाए तो आ, हाँ टीओ एस कैसे फिक्स होता है सेक्शन ट्वेल्व और थर्टीन के हिसाब से ओके okay, मैंने एक कंपैरिजन टेबल लिया है okay, हम जब क्लास कर रहे तो ये टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था सेक्शन 12 डील अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखो बेटा लायबिलिटी जो है यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज दो इसमें आती है मोस्ट ऑफ द केस में आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हो लेकिन कुछ नोटिफाइड केस में वो गुड्स की होगी ठीक है गुड्स के सिलेबस में नहीं है जैसे नट्स एंड एक्सेट्रा रॉ कॉटन वगैरह तो गुड्स का यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज आता है पर हमें सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है लेकिन सर्विस का रिवर्स चार्ज में हमने जी लीगल सर्विस बहुत सारी सर्विसेज हमने देखी थी ठीक है तो ई सी ईसीओ जो है नाइन फाइव के वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आते वो फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज में ही यहाँ पे उनका सप्लाई कंसीडर किया जाता है और उनका टीओएस सेक्शन ट्वेल्व टू ए या थर्टीन टू के हिसाब से फिक्स किया जाता है तो सेक्शन ट्वेल्व टू क्या कहते हैं सेक्शन ट्वेल्व टू ये कहता है कि जब भी कोई सप्लायर ऑफ गुड्स हो और फॉरवर्ड uh, चार्ज में जीएसटी आ रहा है तो वो सप्लायर का टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा मतलब कौन से मंथ के ड्यू डेट में वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा सिंपल दिया है और देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस तो यहां पे डेट ऑफ इन्स इश्यू ऑफ इन्वाइस मतलब आपने रिमोल के पहले इन्वाइस दिया हो या रिमोल तक इन्वाइस दिया हो तो वो उसका टी आएगा यानी इन्वाइस बेसिस पे है और अगर आपने रिमोल तक इन्वाइस नहीं दिया है तो आपको लास्ट डेट मतलब ओके okay, रिमोल की डेट आपको लेनी पड़ेगी या मेड अवेलेबल की डेट लेनी पड़ेगी फॉर टी उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दू कि गुड्स के केस में एडवांस पे टयूएस नहीं है नोटिफिकेशन 66/2017 ये कहता है कि गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसीप्ट के बेसिस पे टयूएस फिक्स नहीं होगा फिर वो केस सेक्शन 12 की हो या सेक्शन 14 की हो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की हो ओके गुड्स के केस में टयूएस रिसीव बेसिस पे नहीं होगा उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे कंपैरिजन में ले लेता हूं फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज सर्विसेज में अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी दे रहे हो यानी सप्लायर जीएसटी दे रहा है तो टी कैसे फिक्स होगा सिचुएशन ए ओके अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम दिया हो विद इन टाइम दिया हो मतलब क्या आपने सर्विस के पहले दिया हो ड्यूरिंग दिया हो या विद इन थर्टी डेज या फोर्टी फाइव डेज दिया हो तो आपका टी कैसे है तो डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर हाँ यहाँ पे सर्विस के केस में रिसिप्ट बेसिस पे टीओ है तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉयस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर ओके वो आपका टीओ माना जाएगा अगर आपका इनवाइस विद इन टाइम नहीं है मतलब विदिन थर्टी डेज या फोर्टी फाइव डेज नहीं है तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस है ऐसा मत लेना डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसीव एवर इज अर्लियर बी केयरफुल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एवर इज अर्लियर तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उस दिन का टीओएस या फिर रिसिप्ट उसके पहले होगी तो वो लिया जाएगा अब देखो ए और बी दोनों भी पॉसिबल नहीं है इफ टीओ एस नॉट बी डिटरमाइन अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी अब क्लॉज ए और क्लॉज बी में टी कब डिटरमाइन नहीं हो सकता जब डेट ऑफ इनवाइस भी अवेलेबल नहीं है डेट ऑफ रिसिप्ट भी अवेलेबल नहीं है और डेट ऑफ कंप्लीशन भी अवेलेबल नहीं है ये तीनों बातें अवेलेबल नहीं है तो फिर सी पे फिक्स किया जाएगा और सी क्या कहता है डेट वेन रिसिपियन शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन इज बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा रिसिपियन शोज रिसिप्ट इन इज बुक्स ऑफ अकाउंट यानी रिसिपियन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे सप्लायर का टीओएस फिक्स किया जाएगा बहुत सी बार क्या होता है जैसे अभी मार्च एग्जाम्पल लो मार्च चालू है मार्च में मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ ओके तो क्या हो रहा है कि मैंने जिसको सर्विस दिया तो मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं मार्च में तेरा बुक नहीं करूंगा थर्टी फर्स्ट मार्च पे मेरा रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा ओके okay, जो भी पैसा तेरे से आ रहा है हम नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर देंगे जनरली फैकल्टी के साथ मेरा ऐसा होता है कि ओके okay, यहाँ पे मैंने जो सर्विस फैकल्टी uh, ने मेरे को जो सर्विस दिया है फैकल्टी ने जो मेरे को सर्विस दिया है तो वो कहते हैं कि सर अभी सप्लायर फैकल्टी वो कहते हैं कि भाई सर अभी मत बुक करो मैं कहता हूँ नहीं मैं तो मैं रिसिपियंट हूँ मैं कहता हूँ नहीं मैं तो अभी बुक करूँगा क्योंकि मुझे एक्सपेंसेज बुक करना है तो अगर सप्लायर ने किसी भी रीजन की वजह से अपने आ, आ, किसी भी रीजन की वजह से इन्वाइस नहीं दिया होगा उसके बाद में रिसिप्ट भी नहीं बताई होगी और कंप्लीशन भी नहीं किया होगा और अपने बुक्स में कहीं पे भी उसका ट्रांजेक्शन नहीं बताया पर रिसिपियन ने मार्च के पहले एक्सपेंसेस बुक कर दिया उसके बुक्स में सर्विस बुक कर दिया तो रिसिपियन के रिकॉर्ड के बेस पर सप्लायर का टीवीएस फिक्स किया जाएगा अगर यहाँ पे मैं मैं रिसिपियन टू फैकल्टी मुझे सर्विस दे रही है तो मैंने अपने बुक्स में अगर प्रोविजन किया तो इसके वजह से बेचारे जो सप्लायर है वो फंस जाएंगे और मेरे रिकॉर्ड से उनका टीवी फिक्स किया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड उसके बाद में ये तो हमने देखा तीन केसेस इन केस ऑफ टी एस जो है कैसे फिक्स करना ओके इन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो ये गुड्स हुआ ये सर्विसेज हुआ ये तो फॉरवर्ड चार्ज है जब जब भी लाइबिलिटी रिवर चार्ज में आएगी मे बी गुड्स की हो मे बी सर्विसेज की हो गुड्स के केस में कैशोनर्ट्स वगैरह है ऐसे नोटिफाइड गुड्स है अगर कोई या रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो वो केस में रिवर चार्ज में लाइबिलिटी जो है और रिवर चार्ज में लाइबिलिटी यहाँ पे रिसिपियन पे है ठीक है तो सेक्शन ट्वेल्व के हिसाब से अगर रिवर चार्ज में रिसीपिएंट दे रहा है तो वो कब देगा तो उसके लिए तीन पॉइंट यहां पे दिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स डेट ऑफ पेमेंट या थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम सप्लास इन वॉइसियर आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में अगर रिवर चार्ज ऑफ गुड्स का है हाँ जैसे नाइन फोर नाइन फोर का तो रिवर चार्ज ऑफ गुड्स ही है सीमेंट खरीदा या एटी परसेंट से कम रजिस्टर पर्सन से खरीदा या कैपिटल गुड्स खरीदा बिल्डर ने तो गुड्स खरीदा है गुड्स खरीदा है तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं तो वो केस में कुछ नहीं करना प्रॉब्लम में तीन डेट लिख देना बस खत्म डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या आपने जिससे सीमेंट खरीदा उसको पेमेंट कब किया डेट ऑफ पेमेंट या फिर जो अनरजिस्टर्ड बंदे से आपने खरीदा उसकी जो इनवाइस की डेट होगी वहां से थर्टी फर्स्ट डे आई रिपीट ओके इनवाइस की डेट होती है वहां से थर्टी फर्स्ट डे तो वो जो है आपको तीनों में से इज अर्लियर डेट आएगी वो डेट आपको यहाँ पे ले लेना है ई होप यू अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट विच एवरी होने के बाद एक नोट है और उसमें क्या प्रोविजो क्या कहते हैं प्रोविजो है इफ ए बी सी इज नॉट पॉसिबल यानी रिवर चार्ज में लाइबिलिटी है पर ओके okay, यहाँ पे तीनों में से कोई भी इवेंट अवेलेबल नहीं है ना रिसिप्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है ना डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है ना सप्लायर इनवॉइस की सप्लायर इनवॉइस अवेलेबल है नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिप थोड़ा ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा अभी जैसे एग्जाम्पल लो

और एक्चुअली इससे क्या हो जाता है थोड़ा फेक एक्सपेंसेस जो बुक करते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाता है तो ऐसे केस में यहां पे फटाफट सुनिएगा ऐसे केस में अगर आप तीनों इवेंट बुक नहीं कर रहे हो लेकिन रिसिपेन अपने बुक्स में अगर उसकी प्रोविजन कर रहा है तो वो सिचुएशन में उसके प्रोविजन के बेसिस पे टीओ मान लिया जाएगा सर्विस के केस में बेटा दो इवेंट है अगर आप जी सर्विस लेते हो लीगल सर्विस लेते हो स्पॉन्सरशिप सर्विस लेते हो या कोई भी सर्विस लेते हो तो डेट ऑफ पेमेंट या सिक्सटी डे फ्रॉम सप्लाय इन ये कंसिडर किया

यहाँ पे अगर ए और बी से फिक्स नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में रिसिपियन ने जिस दिन प्रोविजन अकाउंट में ओके रिवर्स चार्ज में रिसिपियन पे उस दिन लाइबिलिटी आ जाएगी समझा होगा तो यस कहिएगा बेटा और आपको करना क्या है आपको पता है ठोको लाइक ठीक है तो आप एक्सप्रेस करो आपको समझा है चलिए ये हमने देख लिया यहां पे कि फॉरवर्ड चार्ज में आर, और कैसे आप टी एस फिक्स करोगे गुड्स और सर्विस का और रिवर चार्ज में कैसे फिक्स करोगे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पेमेंट अप टू वन थाउजेंड इन एक्सेस ऑफ इन्वॉइस ओके एक एग्जाम्पल okay, मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि आइडिया कंपनी ओके मैं कस्टमर आइडिया कंपनी का बहुत सी बार क्या होता है कि आइडिया कंपनी का बिल है समझ लो यहाँ पे फिफ्टीन फिफ्टी फाइव का आइडिया कंपनी का बिल आ गया मैंने बिल देख लिया यहाँ पे अब क्या हो गया मैंने राउंड अप करके क्रेडिट कार्ड से 2000 पे कर दिया अब आइडिया कंपनी ने आपसे तो 2000 नहीं मांगा था उनका इन्वाइस जो था फिफ्टीन फिफ्टी का था और रिसिपेंट ने क्या किया रिसिपेंट ने उसको दो हज़ार पे कर दिए तो आइडिया कंपनी को जो है यहाँ पे सर्विस का एडवांस मिल गया कितना एडवांस मिल गया तो यहाँ फोर फोर्टी फाइव रुपीज़ आइडिया कंपनी को एडवांस मिला जो उन्होंने नहीं मांगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जिनको पेटी कैश अमाउंट एडवांस मिल जाता है और, यहां पे तो अगर किसी को भी अप टू वन थाउजेंड इन एक्सेस ऑफ एडवांस मिल जाए तो उनको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है कि वो यहां पे टीयूएस एडवांस पे ना फिक्स करते हुए जब नेक्स्ट इन में वो एडजस्ट करेंगे तो नेक्स्ट इनवाइस में भी उन्होंने टीयूएस फिक्स किया तो भी चलेगा जहां तक हम सप्लाई गुड्स की बात है चलो प्रोविजन दोनों के लिए ट्वेल्व टू और थर्टीन टू का प्रोविजा ही है दोनों के लिए पर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस पे तो फिक्स होता ही नहीं है इसलिए वहां क्वेश्चन ही नहीं आता है लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एडवांस पे टी फिक्स होता है इसलिए वहां क्वेश्चन आ जाता है तो अगर ये पेटी कैश अमाउंट अप टू वन थाउजेंड होगी तो यहां पे सप्लायर को ये ऑप्शन है कि वो सप्लायर उसका टी एडवांस पे ना फिक्स करते हुए नेक्स्ट जब यहाँ पे इनवाइस जनरेट करेगा उस दिन भी फिक्स किया तो भी चलेगा लेकिन अगर आपके अमाउंट वन थाउजेंड के ऊपर होगी तो एडवांस पे ही टीओ फिक्स करना पड़ेगा और स्पेशली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको दो ही फैक्टर लेके चलना है हैं या लास्ट डेट ऑफ इनवाइस चलिए नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें वाउचर्स वाउचर्स जैसे मैं डिस्काउंट वाउचर Uh, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं वाउचर वाँचर, वो वाउचर्स की बात कर रहा हूं जहां आपने गुड्स या सर्विस का सप्लाई का ऑब्लिगेशन लिया है गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसे कोई भी कंपनी वाउचर इशू करती है जहां गुड्स देने का वादा करती है या सर्विसेज देने का वादा करती है तो उस वाउचर पे जीएसटी आता है क्योंकि वो अग्रीड फॉर सप्लाई है मेड और अग्रीड टू बी मेड तो वो वाउचर पर जीएसटी आता है और इशूइंग कंपनी को जीएसटी देना पड़ता है तो यहां पे अगर ये कॉमन प्रोविजन है बेटा यहां तक तो डिफरेंस था लेकिन इसके आगे दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कॉमन प्रोविजन है अगर आपका जो वाउचर है वो आइडेंटिफाइबल है मतलब उसमें स्पेसिफिक कौन सा गुड जा रहा है ये पता है जैसे शर्ट्स ट्राउजर्स वगैरह प्रेशर कुकर वगैरह क्लियरली लिखा है कि ये स्पेसिफिक गुड्स मिलेगा ये वाउचर के अगेंस्ट में है। तो अगर यहां पे वाउचर आइडेंटिफाइबल हो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर यानी जो भी कंपनी वाउचर इशू कर रही है ओके okay, जिस दिन दिन वो इशू करेगी उसी दिन उसका टीओएस आएगा और उस कंपनी को पे करना पड़ेगा फिर वो वाउचर रिडीम हो या ना हो कस्टमर वो रिडीम करने आए या ना आए डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे ही उसको टीओएस क्रिएट करना पड़ेगा चलो हमने ये देख लिया उसके बाद में इन अदर केसेस मतलब वो नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर होगा नॉन आइडेंटिफाइबल हो वाउचर मतलब ओके okay, अब नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर क्या होगा तो नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर यानी क्या कि जैसे अप टू वन थाउजेंड अप टू टेन थाउजेंड जो है आपको यहाँ पे uh, कुछ भी ले सकते हो अब अगर आप कुछ भी ले सकते हो तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिडम्पन ऑफ वाउचर हाँ यहाँ एक फायदा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पर टीयएस नहीं आएगा जिस दिन आप रिडीम कर कस्टमर रिडीम करने आएगा उस दिन लाइबिलिटी आएगी तो आपका आपको सेकंड फायदेमंद है ज़्यादा लेकिन डिपेंड्स कि आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या है उसके बेस पे आपका टीएस होगा अगर आइडेंटिफाइबल कोई आपको स्पेसिफिक गुड्स ही देना है तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ वाउचर उसके बाद में नेक्स्ट बेटा रेसिड्यूअल केस रेसिड्यूअल केस क्या कहता है कि अगर यहाँ पर आपका ट्यूएस किसी भी अब सब से सॉल्व नहीं हुआ मतलब क्या क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है गुड्स का होगा तो ना इनवॉइस दे रहा है ना यहां पे रिमोल बता रहा है कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा है ना रिसिप्ट बता रहा है सर्विस का होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस कंप्लीशन और रिसिप्ट कुछ भी अपने रिकॉर्ड में नहीं बता रहा है रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा है और वो कोई स्क्रूटिनी में फंस गया पकड़े गया इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गया अगर वो रिटर्न की प्रोविजन में आता है यानी उसने पीरियोडिकल रिटर्न अगर देने चाहिए थे नहीं दिए वो बात अलग है देने चाहिए थे तो उसकी रिटर्न की जो डेट होगी वो उसका टीओएस माना जाएगा और वो पीरियोडिकल रिटर्न के जो प्रोविजन में नहीं आता है तो उसका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ये टीओएस माना जाएगा उसके बाद में बेटा इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जैसे वैल्यूएशन टॉपिक में हमने देखा कि अगर कोई इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मिलता है तो उस पर जीएसटी आता है और सेक्शन ट्वेल्थ 6 और 13, 6 के हिसाब से इंटरेस्ट पे पे तो तो दो बातें बाते कौन सी तो हमने दो वर्ड यूज किए डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ओके तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट हमने देखे तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट कैसे निकालना चाहिए तो नीचे मैंने दिया जब भी आप डेट ऑफ पेमेंट लोगे डेट ऑफ पेमेंट और payment, पे, मतलब और डेट डेट ऑफ ऑफ पेमेंट मतलब बुक एंट्री क्रेडिटेड टू बैंक इज अर्लियर अगर आपको प्रॉब्लम में पेमेंट की दो डेट दी है तो आपको क्या करना है दोनों डेट बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक बैंक को कब क्रेडिट हुआ इज अर्लियर लेना है इसलिए ओके जब भी आप टीओस निकालोगे जैसे समझ लो एग्जाम्पल आप सर्विस का टीओ एस निकाले हो, तो यहाँ पे क्या करना ओके okay, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट की दो डेट भी लिख देना बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन और तीनों में से विच दैट्स ऑल ओके तो ये हुआ रिगार्डिंग टू डेट ऑफ पेमेंट इज और डेट ऑफ पेमेंट जनरली आरसीएम में यूज होता है ओके okay, तो डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ डेबिट टू बैंक यानी जिस दिन तुमने पे किया सप्लायर को बुक्स में एंटर कर दिया और डेट ऑफ डेबिट टू बैंक ओके तो इन दोनों में से इज अर्लियर वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है चलिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा स्पेशली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे हमने क्या देखा था हमने ये देखा था कि जब भी आरसीएम की केस आएगी और सर्विस की केस आएगी तो दो पॉइंट पे टी निकलेगा डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे फ्रॉम सप्लाई अर्लियर लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजो डाली और स्पेशल प्रोविजो क्या अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी ध्यान से सुनिएगा अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी अब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस यानी क्या वो नाइन टू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो आपने पढ़ लेना तो एसोसिएटेड इंटरप्राइज होगी और सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होगा सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होगा और लेने वाला इंडिया में होगा तो ऐसे सिचुएशन में आपका ओके डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर इसके बेस पे टीओएस फिक्स किया जाएगा देखो थोड़ा इसको और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं किसी बाहर वाले से आप सर्विस लेते हो तो रिवर चार्ज है और रिवर चार्ज में आपका नॉर्मली टीओ क्या आता है डेट ऑफ पेमेंट या यान डे इस तरह से आपको टी फिक्स करना पड़ता है सिक्सटी फ्रॉम सप्लाइस इन तो नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको दोनों में से विचवरिज

समझाओ तो जो बोलिए यस सर चलिए तो ये हमने सेक्शन ट्वेल्व और थर्टीन कंप्लीट कर लिया है ओके और आपको ये पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया तो आपको क्या करना है आपको पता है चलिए अब आते हैं सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बहुत ही ईजी है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बहुत ईजी है सिचुएशन को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि आपने सप्लाई चेंज इन रेट के पहले किया है या सप्लाई चेंज इन रेट के बाद किया है अगर सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो तो वो सिचुएशन में यहां पे टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा ओके okay. तो देखो यहाँ पे इसमें तीन क्लॉजेस है वन टू और थ्री अब फर्स्ट क्लॉज में सप्लाई तो पहले चेंज इन रेट पहले रेट ट्वेल्व परसेंट था बाद में एटीन परसेंट हुआ तो सप्लाई तो पहले ही है लेकिन इनवॉइस और रिसीव बाद में है तो अगर सप्लाई पहले और इनवाइस और रिसीव बाद में है तो इज अर्लियर उस पर आपका टीय फिक्स किया जाएगा ठीक है और आपको एक बात बता दूं सेक्शन 14 हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट और अदर सेक्शन और और मतलब मतलब क्या? मतलब ये हुआ जो भी से तो सेक्शन फोर्टीन का केस हम कब कहेंगे जब आपके तीनों में से कोई एक इवेंट स्कैटर्ड हो गया अब तीन कौन से इवेंट है सप्लाई इनवॉइस वॉइस और रिसिप्ट कमा क्या सप्लाई इनवॉइस और रिसिप्ट uh, इन तीनों में से अगर आप ये पूरे डायग्राम देखते हो तो कहीं ना कहीं एक इवेंट स्कैटर्ड हो रहा है ओके okay, स्कैटर्ड हो रहा है मतलब चेंज इन रेट के पहले है या चेंज इन रेट के बाद है ओके okay, कभी एक उधर है तो दो इधर है कभी दो उधर है तो एक इधर है तो ऐसे केस केस में वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का कहा जाएगा लेकिन अगर तीनों पहले है या तीनों बाद में है तो वो सिचुएशन में आपको जो टी फिक्स करना है वो टी ओ एस यहां पर सेक्शन 12 और 13 के हिसाब से फिक्स करना है जब स्कैटर्ड होता है तो ही वो चेंज इन रेट का आ, केस कहा जाता है और चेंजिंग रेट का अगर केस कहा जाए तो ये जो प्रिंसिपल्स दी है उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको टीओएस फिक्स करना पड़ेगा तो पहला केस की सप्लाई पहले है और इनवाइस रिसिप दोनों बाद में है तो विचोरी जर लिया अब विचोरी जर लियर में इन्वाइस पहले होगा तो इन्वाइस और रिसिप पहले होगा तो रिसिप नाउ क्लॉस टू कहता है कि अगर सप्लाई और इन्वाइस पहले है और रिसिप बाद में है फॉर नो डाउट सॉरी ओके पर यहां पे सप्लाई पहले ही है पर इनवॉइस भी पहले है तो वो वो सिचुएशन में इनवॉइस चेंज इन डेट के पहले फिर इनवॉइस यहां हो यहां हो या यहां हो पर चेंज इन डेट के पहले तो अगेन आपको ट्यूएस जो फिक्स करना है वो इनवॉइस और रिसिप्ट पे करना है सप्लाई पे नहीं सिर्फ सप्लाई ये देखना है कि पहले या बाद में तो वो केस में इनवॉइस पे ट्यूएस फिक्स होगा अगर सप्लाई और रिसिप्ट पहले है अगर सिचुएशन क्लॉज ए का है मतलब सप्लाई इन रेट के पहले होगा तो एक लाइन में खत्म कर दो और वो एक लाइन में क्या खत्म कर दो तो आपका टीओ एस इन वॉइस और रिसिव बिचोज अर्लियर पे आ जाएगा और उस दिन का जो भी जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा ओके जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा अगर आपका सप्लाई बाद में ध्यान तो आपका सप्लाई तो देखते हो तो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा मतलब सप्लाई बाद में इनवॉइस पहले है रिसिप बाद में है तो यहां प्रॉब्लम भी अगर एग्जाम में आया तो आपने ड्रॉ भी कर लेना तो रिसिप्ट बेसिस पे अगर रिसिप्ट पहले इनवाइस बाद में तो इनवाइस इज लेटर लेकिन लेकिन अगर इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों पहले है तो फिर इज अर्लियर तो इसको कैसे याद रखना इसको ऐसे याद रखना कि इनवॉइस और रिसिप्टिवर इज लेट लेकिन अगर दोनों पहले होते हैं तो इज अर्लियर तो याद रखने के हिसाब से मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है कैसे याद रखना और शॉर्ट में वो भी यहां पर दिया हुआ है अब एक कंसेप्ट आपको बताना चाहगा और वो कंसेप्ट क्या अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और क्रेडिटेड टू बैंक इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है मतलब बहुत सी बार क्या हो जाता है आपको बता दो आपने कस्टमर से चेक ले लिया बुक एंट्री कर दी ट्वेंटी को आपने बुक एंट्री कर दी पैसा लेके और उसके बाद में फर्स्ट को चेंज इन रेट हो गया और बैंक में फिफ्थ को क्रेडिट हुआ बैंक में टेंथ को क्रेडिट हुआ तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर यहाँ पे बुक एंट्री पहले हो गई और नेक्स्ट बैंक को क्रेडिट होने के होने के पहले बीच में

डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स लेना है। मतलब एक तारीख को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तक बैंक में okay, क्रेडिट हुआ तो आपका डेट ऑफ पेमेंट रिस्यूडेट ऑफ पेमेंट रिस्यूव माना जाएगा वो डेट डेट ऑफ क्रेडिट टू बैंक माना जाएगा मतलब गवर्नमेंट यह कह रही है कि बुक एंट्री के बाद अगर चेंजिंग रेट होता है तो चेंजिंग रेट के चार दिन के अंदर बैंक में रियालाइज होना चाहिए अगर तो लेट कर दिया तो फिर हम बुक एंट्री के बेसिस पे नहीं मानेंगे हम जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ तब तो मानेंगे देखो एक बार फिर से एक बार फिर से ये पॉइंट ध्यान समझ लो अगर नॉर्मली हम डेट ऑफ पेमेंट रिस्ट्यूट कब मानते हैं डेट ऑफ पेमेंट रिस्ट हम तब मानते हैं जब बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर नॉर्मली तो ऐसा ही लेंगे

बुक एंट्री हुआ होगा पर बुक एंट्री पे टीय नहीं मानेंगे जिस दिन बैंक में रिलाईज हुआ उसी दिन आपका टीय माना जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड बेटा अगर होगा मजा आया होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा होगा तो आपको एक काम करना है यस yes. <laughs> और जिन्होंने लाइक कर दिया है वो थम बताए ठीक है नहीं बेटा रियल इस्टेट के वगैरह आपको नहीं यहाँ पे लर्न करना है रियल और यह को यहां पे समझ लेते हैं कंटिन्यूस गुड्स मतलब क्या तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो जिसमें कंटिन्यूस ए रिकरेंट बेसिस पे है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई कर रहे हो आप हो सकता है वायर केबल पाइपलाइंस अदर कंड्यूट या फिर नॉर्मल भी सप्लाई वेदर और नॉट मतलब ये मीडिया यूज कर रहे हो या फिर अदर मोड से सप्लाई कर रहे हो फॉर विच ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर विच सप्लायर इनवॉइस टू रिसीवेंड ऑन रेगुलर और पीरियोडिकल बेसिस पर ये बहुत क्लियरली कहा है कि कंटिन्यूस सप्लाई तभी कहा जाएगा जब इन्वॉइसिस पीरियोडिकली दिए जा रहे हैं आपके सप्लाई के जैसे गैस सप्लाई किया जा रहा है तो मंथली बेसिस पे फोर नाइट बेसिस पे न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहा है भाई दूध वाला मिल्क सप्लाई कर रहा है तो वो इन्वाइस पीरियोडिकल बेसिस पे दे रहा है हर रिमॉल पे नहीं दे रहा है तो वो सिचुएशन में उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ख्याल रहे चार पॉइंट बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस रिकरेंट बेसिस पे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है ये मोड यूज किए जा रहे हैं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सप्लायर की इनवॉइस मैकेनिज्म जो है वो रिमोल पे नहीं है वो पीरियोडिकल है ओके okay, तो वो केस में कंटिन्यूस सप्लाई सर गुड्स बोला जाएगा एन इंक्लूड्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कोई यहां सप्लाई नोटिफाई करता है एज अ कंटिन्यूस होगा अभी फिलहाल कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया सर्विस कब कही जाएगी ओके okay, वो भी कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे दी जा रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक उसका कॉन्ट्रैक्ट है और पीरियड एक्सीडिंग थ्री मंथ्स है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन ओके ख्याल रहे यहां पे स्पेसिफिकली कहा है कि सर्विस को कंटिन्यूस सप्लाई तभी बोला जाएगा जब उसका पीरियड मोर देन थ्री मंथ एक्सीडिंग थ्री मंथ एक बार बोलो बोल मेरे साथ एक्सीडिंग थ्री मंथ है

दो महीने का ही है सर्विस चार महीने चलेगी सर्विस दस महीने जाए ना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितना है उसके बेस पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो यहाँ पे पीरियड एक्सीडिंग थ्री मंथ्स होगा तो ही वो सिचुएशन में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी ओके okay, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी <laughs> बेटा ये रिवीजन है ओके okay, तो आपका एक सवाल आ सकता है कि ये रिवीजन है आ, uh, हाँ, हम आखिरी में बात करेंगे चलिए तो जहां तक देखा जाए तो नेक्स्ट इंक्लूड्स एन सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अब कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में उन्होंने स्पेसिफिकली और कहा है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो जोसीप ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस तभी तो बोला जाएगा जब रिसिपियन पीरियोडिकली पे कर रहा है तो उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा जैसे कोई गैस पाइपलाइन से सप्लाई किया जा रहा है या पेट्रोल सप्लाई किया, किया जा रहा है कंटिन्यूस सप्लाई किया जा रहा है सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है चलिए ये तो हमने डेफिनेशन देखा सप्लाई ऑफ गुड्स का और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का ओके okay, इनके इनवाइस मैकेनिज्म और टीयएस देखेंगे इसके इनवाइस मैकेनिज्म और टी देखेंगे पहले इनके इनवाइस देखेंगे और उसके बाद में टी देखेंगे तो यहां पे कंटिन्यूस गुड्स का इनवॉइस यहां पे इन लिख लेना और इनवाइस फॉर सर्विसेज सो इन केस अगर आपने गुड्स सप्लाई किया होगा तो देखो अब एक समझ लो दूध वाला है ओके okay, रोज वो दूध दे रहा है पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है और कंटिन्यूस और बिजनेस का नेचर ऐसे कि वो पीरियडिकली इन्वॉइस बनाता है तो अब डेली वो invoice, जब गुड्स आपके घर पे दे रहा हो तो तब हर रिमोव पे वो इन्वाइस बनाना प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है आप वो गैस सप्लाई कर रहे हैं पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिमोवल पर इन्वाइस देना चाहिए क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या कहती है नॉर्मल प्रोविजन ये कहती है कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपको जो है रिमोव पे इन्वॉइस देना पड़ेगा लेकिन गवर्नमेंट ये समझती है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो हर रिमोल फिक्स करना पॉसिबल नहीं है इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है कि आपको इन्वाइस कब देना है आपको इन्वाइस देना है इनवाइस शाल बी इश्यूड बिफोर बिफोर भी दे सकते हो या एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट सक्सेसिव स्टेटमेंट यानी ये जो स्टेटमेंट आप बनाओगे और सक्सेस पेमेंट विच यानी जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाओगे मे बी फोर नाइटली मे बी मंथली मे बी या दस दिन का जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाओगे दूध वाला पूरे मंथ का एक स्टेटमेंट लेके आता है तो स्टेटमेंट के पहले या स्टेटमेंट तक आपने इन्वाइस देना चाहिए तो व्हाट इज द लास्ट डेट लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूस द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑफ गुड्स इज ओके डेट सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट विच इज अर्लियर वो लास्ट डेट मानी जाएगी सुनो वो लास्ट डेट मानी जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने इनवॉइस कैसे देना चाहिए उसकी यहां पे तीन क्लॉजेस रखे क्लॉज ए अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपियंट रिसिपियन ने मुझे पैसा कब देना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में असर्टेनेबल है समझ लो मैंने रेंट एग्रीमेंट किया ग्यारह महीने का आपके साथ तो ग्यारह महीने का अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट किया है तो वो सिचुएशन में, में मेरा कॉन्ट्रैक्ट तीन महीने से ज्यादा है तो वो केस में वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा या एम से लिया है और मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर डेट लिखी है कि मंथ एंड होने के बाद दस तारीख को ड्यू डेट असर्टेनेबल दस तारीख को रिसिपियन मुझे रेंट दे देगा ओके okay, अगर ऐसी डेट क्लियरली अवेलेबल है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टनेबल एसर्टनेबल है तो आपका इनवॉइस कब जाएगा टीओएस तो हम तो बाद में देखेंगे आपका इनवॉइस कब जाएगा तो इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑनर बिफोर द दे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यानी जो ड्यू डेट फिक्स की गई है दस तारीख उसके पहले इन्वॉइस देना चाहिए तो अब मेरे साथ थोड़ा फिक्स करो ओके okay, आप पहले भी दे सकते हो लेकिन ड्यू डेट तक देना चाहिए तो ओके okay, तो यहां पे कब बोला जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस विद इन टाइम इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस बोला जाएगा जब इनवॉइस ड्यू डेट के पहले दे दिया गया या फिर ड्यू डेट तक दे दिया गया तो विद इन टाइम कहा जाएगा बी बी सिचुएशन में अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल आई रिपीट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल तो वो सिचुएशन में यहां पर डेट ऑफ पेमेंट इन वॉस शाल बी इशूड एट ए टाइम एंड सप्लाय यह कंप्लीट नहीं आया बेटा इसको कंप्लीट कर लेना इन वॉय शाल बी इशूड बिफोर एट ए टाइम एंड सप्लाय ऑफ सर्विस रिस्यूवज द पेमेंट रिस्यूव द पेमेंट वो पूरा नहीं आया है वहाँ कुछ रह गया है ठीक है तो मैं करेक्शन करके डाल दूंगा वापस से चार्ट ठीक है इतना तो आप करेक्ट कर कर सकते हो ओके करेक्टेड होगा आपकी इसमें तो अच्छी बात है तो वो जो पेमेंट जिस दिन रिसीव होगा बहुत सी बात समझ लो मेरा यहाँ पे सर्विस है आ, ट्रेनिंग कोचिंग आठ महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तीन महीने से ज्यादा है पर मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट को कहा आपको तीन इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा यानी रिसिपेंट इज लाइबल टू पे पीरियोडिकली तीन इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा पर मैंने ड्यू डेट असर नहीं की है

और नेक्स्ट वेयर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट अब कभी कभी क्या होता है सप्लाई में इवेंट फिक्स किए जाते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस है तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने इवेंट फिक्स किए मतलब क्या मुझे प्लिंथ पे थर्टी परसेंट पैसा लगेगा फर्स्ट फ्लोर पे मुझे और ट्वेंटी लगेगा सेकेंड फ्लोर पे और ट्वेंटी लगेगा तो उसने इवेंट पे ओके okay, सप्लायर ये है बिल्डर रिसिपियंट है उसने इवेंट पे फिक्स किए कॉन्ट्रैक्टर सर्विस का पैसा तो अगर आपने इवेंट लिंक बेस होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट तो जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा दोस्तों सुनिए 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 जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या उसके पहले तक आपने इन्वॉइस दे देने चाहिए तो क्लॉस सी में कब कहा जाएगा कि इन्वॉइस विद इन टाइम इन्वॉइस विद इन टाइम बोला जाएगा जब आ, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इवेंट जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले जो है यहां पे इनवॉइस दे दिया गया अगर इवेंट कंप्लीट हुआ उसके उस दिन या उसके पहले नहीं दिया गया और उसके बाद दिया गया तो नॉट विद इन टाइम कहा जाएगा तो ये तो था बेटा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एक और इवेंट है वह गुड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रोल और रिटर्न बेसिस मतलब आपने सेल किया फॉर ऑन अप्रोल और रिटर्न बेसिस बहुत सी बार जब आप, आप भेजते हो अब आप आपने रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है अब देखो जब रिमूव हो रहा है तो हम इन्वाइस नहीं बना सकते क्योंकि नॉर्मल केस के हिसाब से जब आप रिमोल फॉर सप्लाई करोगे आई रिपीट रिमोल फॉर सप्लाई करोगे तब इन और मैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिसिकेशन तो भी देखे थे ज्वेलरी का देखा था ज्वेल आर्टिस्ट का देखा था जो हम आगे बाद में देखेंगे तो अब यहां पर सुनिएगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे इनवाइस कब बनाना चाहिए अब लॉ ये कहता है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या मतलब जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा यहां लिख दो आप एक्सेप्टेंस या जब सप्लाई फ्रुक्टिफाई होगा ओके यानी आपने गुड्स भेजा तो रिमोल पर इन्वाइस नहीं बनेगा भेजने के बाद जब कस्टमर उसका एक्सेप्टेंस दे, दे, दे देगा फ्रुक्टिफाई करेगा उस दिन या उसके पहले आप इनवाइस दे सकते हो उस, उस दिन या उसके पहले आप इन्वाइस दे सकते हो लेकिन अगर छह महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आया तो सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमोल यानी जिस दिन रिमो किया वहां से सिक्स मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपका यहां पे इनवाइस का डेट रहेगा इज अर्लियर तो थोड़ा यहां समझने की कोशिश करना हमें टीओएस फिक्स करने के लिए लास्ट डेट निकालनी होती है तो अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपने गुड सेन ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे दिया होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में

तो जिस दिन सिक्स मंथ कंप्लीट हो गए वो आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी समझा होगा तो आपको क्या करना आपको पता है जिन्होंने लाइक like कर दिया है ओके okay, नहीं किया तो अभी अभी करो एक्सप्रेस करो अपने आप को और जिन्होंने कर दिया है वो थम करें ओके okay, तो यहां पे इस तरह से हमने सारा कंसेप्ट देख लिया है एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है जस्ट इमेजिन एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है बस आप क्वेश्चन कर लो देखो फटाफट हो जाएगा चलिए अब ये टेबल मैं आपको समझा देता हूं ये टेबल क्या कहता है इस टेबल को मैंने इस तरह से अरेंज किया है यानी अगर आप इसको केयरफुली देखें तो सारे टीओ जो है मैंने यहां पे बहुत अच्छे से अरेंज करके दिए हैं सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स के पूरे इंडिया में तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एक नॉर्मल रिमूव हो गया इनवाइस दे दिया नॉर्मल एक कंटिन्यूस हमारे डेफिनेशन के और गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट इसके नेक्स्ट बेटा अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में दो ही होगा नॉर्मल जो थर्टी फोर्टी फाइव डेज में इनवाइस देना है या फिर कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस बस ये सारी सिचुएशन में TOS कैसे फिक्स हो गये? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा, TOS देखा नॉर्मल भी पर अब सारे सिचुएशन में TOS कैसे फिक्स हो गये? ये देख लेते हैं अगर ये हो गया तो हो गया आपका तो वो सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट पे हो या फिर वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मंथ हो इनवाइस जो भी हो हाँ, इन, मतलब मेरा ये कहना है कि इनवॉइस मैकेनिज्म तीनों केसेस में अलग अलग हो सकता है पर जब भी आपको टी फिक्स करना है केस कोई भी हो ये दो ही लॉजिक पे फिक्स होगा ऑन केस कोई भी हो नॉर्मल हो कंटिन्यूस हो गुड्स एंड ऑन ऑपरल बेसिस पे ये दो ही लॉजिक पे फिक्स होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल केस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूस गुड्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और अगर सर्विस होगा सर्विस होगा तो टीओएस तो ये तीन प्रिंसिपल आएगा ए बी सी तीन प्रिंसिपल पे, पे रिवर्स चार्ज के, ये, ये, के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे इन नॉर्मल केस या इन कंटिन्यूसर्विस हाँ सर्विस में गुड सर्विस सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस नहीं होता है ठीक है तो वो कंसेप्ट नहीं होता है बस इतना ख्याल रखना तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको ऑलवेज दो ही फिक्स करना है डेट ऑफ ऑफ या of of हाँ, अब ये प्रिंसिपल कंटिन्यूस में, के में कैसे अप्लाई होते हैं और ये प्रिंसिपल गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे कैसे अप्लाई होते हैं बस सिंपल है प्रिंसिपल वही लगाना है तो चलिए थोड़ा मेरे साथ यहां पे देखिएगा डेट ऑफ इश्यू नॉर्मल केस है मतलब नॉर्मल यानी रिमोल पे तो वो तो सिंपल है अगर आपने इनवाइस बिफोर दिया होगा या एटे टाइम ऑफ रिमोल दिया होगा तो आपका टीय इनवाइस पे आएगा अगर आपने इनवाइस बिफोर नहीं दिया है नॉट इश्यूड नॉट इश्यूड ऑन और बिफोर रिमोल और डिलीवरी तो फिर लास्ट डेट लेना पड़ेगा तो आपका टी एस लास्ट डेट ऑफ इनवाइस आएगा देन चलिए अब वही प्रिंसिपल को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स में देखते हैं अब सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स में हमने लास्ट डेट निकाली थी अगर सक्सेसिव सक्सेसिव स्टेटमेंट या या पेमेंट उसके पहले या उस दिन तक आपने इनवॉइस दे दिया है तो आपका टू ईयर्स डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही रहेगा हाँ क्योंकि आपको टू ईयर्स ऑलवेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस चलना है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो आप टू ईयर्स डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कब लोगे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड के पहले इन्वाइस जा चुका है या उस दिन तक जा चुका है लेकिन अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिस्यूड विचर इज अर्लियर उस दिन या उस दिन के पहले इन्वाइस नहीं दिया होगा तो फिर आपको लास्ट डेट लेनी है और लास्ट डेट ऑफ इन्वाइस आएगा ओके डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट रिस्यूव आई होप आपको ये समझा होगा बेटा मुझे ये बताइए मैं दो एक मिनट के लिए रुकूंगा ओके okay, और यहां तक समझा क्या मुझे बताइए यस और नो जो भी मुझसे कनेक्टेड है प्लीज आंसर देने की तकल्लुफ उठाइए ठीक है ये होगा तो बताइए बेटा ये तो हमने देखा कंटिन्यूस के में अब गुड सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस यहां पे दो लास्ट डेट आएगी ये समझ लेना इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर दो लास्ट डेट आएगी मैंने अभी आपको पढ़ाया था इसलिए यहां पे देखो इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बिफोर सिक्स मंथ्स एंड इनवॉइस इश्यूड ऑन बिफोर एक्सेप्टेंस इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन अब देखो हां थोड़ा ये कंसेप्ट को समझ लो ये थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेना अगर आपको छह महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो छह महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो और आपने इनवाइस आपने इनवाइस ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस यानी कस्टमर ने जिस दिन एक्सेप्ट किया

अगर ये दो सिचुएशन में ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो सिचुएशन में अगर आपने तो इनवॉइस आपने विद विद इन इन टाइम टाइम दे दे दिया अगर दे दिया मतलब आपने इनवॉइस एक्सेप्टेंस के पहले दिया हो या सिक्स मंथ्स के पहले दिया हो तो आपका टूर्य डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस होगा स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं आया तो फिर हम ज, जिस दिन सिक्स मंथ्स कंप्लीट हो गए वो डेट नहीं 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 एक्सेप्टेंस नहीं भी आया होगा तो भी आपने छह महीने के पहले इनवाइस दे दिया भाई अगर छह महीने के पहले इनवाइस दे दिया तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ इश्यू ही लिया जाएगा लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया एक्सेप्टेंस आया और एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया, acceptance या acceptance के पहले नहीं, बाद में दिया तो फिर लास्ट डेट क्या होगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है और आपका इन्वाइस छह महीने में नहीं जाता है तो डेट ऑन ऑनविच सिक्स मंथ एक्सपायर ओके ये बता दो ये समझाए नहीं समझा मैं फिर से यहां पे एक मिनट रुकूंगा मैं फिर से यहां गया होगा कि तो हो गया कैंसिल आपको दो सिचुएशन लेनी है एक्सेप्टेंस आ गया तो जिस दिन एक्सेप्टेंस आया उस दिन या उसके पहले इनवाइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस या नहीं आया होगा तो छह महीने के पहले या छह महीने तक आपने इन्वाइस दे दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वाइस और आपकी लास्ट डेट क्या होगी एक्सेप्टेंस आ गया और आपने इवाइस नहीं दिया तो लास्ट डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और छह महीने हो गए और आपने इन्वाइस नहीं दिया तो लास्ट डेट इज जिस दिन छह महीने एक्सपायर हो जाएंगे ये बताइए ये समझाया नहीं समझा यस yes और नो no? चलिए तो इस तरह से आपका ट्यूएस आएगा गुड्स के केस में तीनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया है उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विसेस ध्यान से सुनिएगा सप्लाई ऑफ सर्विस सर्विस के केस में भी आपको ट्यूएस जो है ए बी और सी तो सी तो ठीक है सबके लिए कॉमन की आपने बुक्स में प्रोविजन कर दी मेनली ए और बी लेता हूं यहां विद इन टाइम तो डेट ऑफ ऑफ और और एवर इज अर्लियर नॉट इश विद इन टाइम तो डेट ऑफ कंप्लीशन और प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट अर्लियर ये लिया जाएगा अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लो ये तो मैंने सो नॉर्मल केस में नॉर्मल केस में अगर आपने इनवाइस अगर आपने इनवाइस थर्टी डेज या फोर्टी फाइव डेज के पहले दे दिया तो आपका टीयूएस डेट ऑफ इनवाइस और फोर्टी फाइव डेज नहीं दिया तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या प्रोविजन ऑफ सर्विस और अर्लियर रिप्ट की वही बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक लेना पड़ेगा ऑफ सर्विस केस में कैसे देखोगे सप्लाई ऑफ सर्विस में थोड़ा ये को ऐसा समझ लो हमने क्या देखा सप्लाई सर्विस में इनवाइस इश्यू करने के तीन तरीके और हम विद इन टाइम कब बोलेंगे जब डेट या उसके पहले इनवाइस दे दिया हो अगर नॉट असर्टेनेबल है तो पेमेंट आएगा और इवेंट बेस होगा तो इवेंट लिंक आएगा तो ऐसे केस में अब देखो यहां पे अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है ध्यान से देखिएगा ड्यू डेट असर्टेनेबल है और आपने invoiced, जो भी ड्यू डेट फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में उसके पहले या उस दिन तक दे दिया मतलब विद इन टाइम हो यह सिचुएशन ए में विद इन टाइम कब बोला जाएगा सिचुएशन बी में विद इन टाइम कब बोला जाएगा अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है पर पेमेंट के पहले पेमेंट रिसिव के पहले या पेमेंट तक आपने इनवाइस दे दिया हो तो विद इन टाइम बोला जाएगा याने कब बोलेंगे इनवाइस विद इन टाइम इन द कॉन्टेक्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो आपने पेमेंट के पहले दे दिया या तीसरा आपने कंप्लीशन के पहले या कंप्लीशन के डेट तक आपने इनवाइस दे दिया तो बात खत्म तो वो सिचुएशन में यानी अगर आपने तीनों तीनों में से कोई भी सिचुएशन में आप फिट होते हो और आपने विद इन टाइम दे दिया तो सिंपल फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और एवर इज अर्लियर लेकिन आपने ड्यू डेट तक इनवाइस नहीं दिया ड्यू okay, डेट तक इनवाइस नहीं दिया तो फिर फिर आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच्च लिया और यहां पे आईसीआई का इंटरप्रिटेशन है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ड्यू डेट मानी जाएगी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट है वो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इज अर्लियर तो जो पेमेंट की ड्यू डेट है कस्टमर की ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब लिख देना साइड में कस्टमर की क्यों कौन सी डेट फिक्स की है वो डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी क्योंकि हमें फिक्स तो यही प्रिंसिपल पे करना है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस तो वो डेट मानी जाएगी और डेट ऑफ इज अर्लियर अगर पेमेंट जिस दिन मिला तब तक इनवाइस नहीं मिला तो वो केस में डेट ऑफ रिसिप्ट डेट ऑफ रिसिप्ट आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी तो वो लिया जाएगा और इवेंट लिंक बेस होगा तो और जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले इनवाइस नहीं दिया होगा तो फिर आपका टी एस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ रिसिप्टर इज अर्लियर ये माना जाएगा डन ओके okay बेटा ओके okay, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो उसमें थोड़ा स्क्रॉल करो सब मिल जाएगा मैंने दिया है आप देखते नहीं हो यार डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दी है ओके okay, जोर से बोलो समझा या नहीं समझा सबको जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एक्सप्रेस करो अपने आप को ठोको लाइक और जिसने ठोक दिया है ओके okay, यहां पे तो यस थम्स चलिए अच्छे से समझ में आया तो चलिए बेटा आज का रिवीजन यही एन हो रहा है देखो अब मैं आपको